एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज की वीडियो हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन के बारे में होने वाली है। मैं प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने सारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रणाली के छात्र हैं, यानी जिन भी स्टूडेंट्स का एनुअल प्रोग्राम है, उनके ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन 26 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो गया। फर्स्ट अभी बीकॉम के प्रोग्राम के ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन सबमिट हो रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट भी फर्स्ट 26 जुलाई 2021 को क्वारीज भी आई थी कि हमारे ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन सबमिट नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में काफ़ी सारा ट्रैफिक सोर्स था, उस वजह से वेबसाइट परफेक्ट वे में वर्क नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने कुछ टाइम बाद जब अप्लाई करा तो उनके ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन सबमिट होने लग गए थे। तो ऐसे ही सिमिलर अदर जैसे अदर स्लॉट आएंगे, पहले मैं कोशिश करूँगा वीडियो बना दूँ आप सभी लोगों के लिए पर्टिकुलर जिन स्लॉट की ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन के नेक्स्ट स्लॉट की डेट आती है, तो मैं आपके लिए पर्टिकुलर उस तरीके की एक असाइनमेंट अलर्ट की एक वीडियो बना दूँगा। बट मेक श्योर जितने सारे यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेबसाइट में स्लॉट दिए गए हैं और स्टूडेंट एनुअल वाले स्टूडेंट हैं, उनको असाइनमेंट सबमिट करने, बिकॉज जुलाई 2020 प्रोग्रामिनेशन की ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन में फाइनल ईयर वाले स्टूडेंटों को छोड़ के जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट अगर अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उनके इंटरनल असेसमेंट बेसिस पे, यानी आपके ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन बेसिस पे ही आपको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में। सो मेक श्योर सभी स्टूडेंटों को कंपलसरी है ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन सबमिट करना। और वन मोर थिंग, अगर कोई भी स्टूडेंट अपने ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन सबमिट नहीं करता है तो उनके रिजल्ट में NC लिखा हुआ आता है और वो तब क्लियर होता है जब वो आप नेक्स्ट टाइम, यानी जब आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है, देन अगर आप यूनिवर्सिटी या स्टडी सेंटर से कंसल्ट करते हैं, देन अगेन आप अपने असाइनमेंट की पेमेंट करते हैं, यानी आप अपने पर असाइनमेंट के अकॉर्डिंग 100 या 200 रुपये जब सबमिट करते हैं और साथ में अपने असाइनमेंट भी सबमिट करते हैं, देन वो NC क्लियर होता है। उससे पहले स्टूडेंटों को मेक श्योर ये करना है कि वो अगर पहले ही सारे सब्जेक्ट की पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन दे दें और सबमिट कर दें तो उनके रिजल्ट में इन फ्यूचर NC का भी कोई इश्यू नहीं आता है और पर्टिकुलर उनका रिजल्ट क्लियर रहता है और उनको डिग्री प्राप्त करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अदरवाइज़ जो स्टूडेंट है कंपलसरी है सबके लिए असाइनमेंट ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन सबमिट करना, बिकॉज उसके बिहाफ पे ही फाइनल ईयर वालों को छोड़ के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा। अभी यूनिवर्सिटी के द्वारा यही रूल्स बताया गया है। तो गाइस, मैंने आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाई है ताकि आप ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस को समझो और उसे प्रॉपर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई गई हैं ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन को लेके, उसे उस तरीके से फॉलो करो। धन्यवाद।